Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada. This is certainly not the vlog you were expecting from me. And this is not the vlog I was expecting myself. This is a totally unplanned kism ki cheez hai jo main aapke samne baat karne wala hu. Aur iska background ye hai ki main roz subah jab uthta hu 7:30 baje to main ek lambi walk ke upar jata hu aur meri koshish hoti hai ki main 5 meel chalun aur dhodu some brisk walking and then some running. And this walk usually, and almost every time, this walk ends in a sandwich place. इस वक्त मैं एक सबवे के अंदर बैठा हूँ. ये कॉफ़ी है, सैंडविच मैं अपना कर चुका हूँ. दिस इज इट. और जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मैं अपना जो पिछला वीलॉग है उसके ऊपर जो कॉमेंट्स होते हैं आप सबके, इसको ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ 4 degrees centigrade, इसने पंखा अंदर चलाया हुआ है, बिकॉज जो इसने फर्श मॉप किया है इस खातून ने, उसके बाद उसने वहाँ पर पंखा चलाया उसको खुश करने के लिए. बट एनी वे, फिर भी खैर. तो आई यूजली एंड अप इन अ सैंडविच प्लेस, राइट नाउ आई एम इन अ सबवे. और इस सैंडविच प्लेस में मैं बैठ के आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं पिछले व्लॉग के ऊपर वो देखता हूँ, कुछ को हाईलाइट करता हूँ, कुछ के नोट्स लिखता हूँ. मतलब दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई ओन एजुकेशन, एज आई हैव सेड प्रीवियसली मैनी टाइम्स कि आई लर्न फ्रॉम यू. और आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट कि मैंने इतने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग जो हैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे किए हुए. तो अभी मैं जब कमेंट्स देख रहा था मुस्तफ़ा जैदी के शेर के हवाले पे, एक साहब मंसूर साहब ने एक कमेंट किया जो शेर था कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है. जब मैंने अपने पिछले व्लॉग में इसका सियासत के हवाले से डिस्कस किया था तो मुझे नहीं पता था कि एक एग्जैक्ट एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट मुस्तफ़ा जैदी का क्या था, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है. मैंने अस्यूम किया, मैंने स्पेकुलेट किया कि शायर ने जब ये कहा था तो उसके जहन में कोई माशूक होगा, कोई खातून होगी, किसी खातून के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कहा गया होगा. लेकिन मंसूर साहब ने अपने कमेंट में, उर्दू में उन्होंने कमेंट लिखा पिछले व्लॉग में, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये उन्होंने अपनी माशूक जो थी शहनाज गुल उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा था. और जब वो डीजी खान के अंदर डिप्टी कमिश्नर पोस्टेड थे late 70s 60s में, तो शहनाज ने वहाँ आने से इनकार कर दिया. और उस वक्त मुस्तफ़ा जैदी ने कहा कि क्योंकि शहनाज कहती थी कि सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ते ख़राब हैं, मैं यहाँ नहीं आ सकती. और शहनाज के लिए मुस्तफ़ा जैदी ने ये खत लिखा था. फिर उन्होंने ये भी लिखा कि मुस्तफ़ा जैदी शहनाज ही के घर में मुर्दा पाए गए 1969 के एंड में. अच्छा, मुझे सारी चीज़ का नहीं पता था. दिस इज़ समथिंग वी कंटिन्यू टू लर्न एवरी डे एंड आई लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू. और भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वहाँ कॉमेंट्स हैं, लेकिन वो तो इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में और पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, और उस पर मैं फिर आऊँगा. तो अच्छा, इससे पहले कि मैं मुस्तफ़ा जैदी साहब, तो आई वॉज़ वेरी इंट्रीक्ड जब उसने ये लिखा, जब उन्होंने ये लिखा तो मैं आई वॉज़ वेरी इंट्रीक्ड. यहीं बैठ के सबवे के अंदर मैंने मुस्तफ़ा, पहले तो मुझे अपनी इग्नोरेंस का और अपनी जहालत का भी एहसास हुआ कि मुझे नहीं पता था इस चीज़ का. तो मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी एंड आई केम अक्रॉस अ ब्रिलियंट पीस written in Dawn, published in Dawn, which is an analysis piece in the October of 2008. क्योंकि मुस्तफ़ा जैदी की जो डेथ हुई, और वो मंसूर साहब ने अदालत देखा, उनकी डेथ शहनाज गुल के घर में नहीं हुई बल्कि कराची के एक होटल के कमरे में अक्टूबर 1970 के अंदर उनकी डेथ हुई. वो मुर्दा पाए गए और उनके साथ ही शहनाज गुल भी थी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, जो बेहोश थी. और फिर उसके बाद एक मुकदमा चला, लेकिन कोई इंडाइटमेंट नहीं हो सकी. शहनाज गुल की अपनी स्टेटमेंट थी कि मुस्तफ़ा चाहते थे कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं भी मैरिड थी, मुस्तफ़ा भी मैरिड थे, और ये नहीं हो सकता था. लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या शहनाज ने मुस्तफ़ा जैदी को मारा, दोनों ने खुदकशी करने की कोशिश की, मुस्तफ़ा जैदी ने अपने आप को खुद सेल्फ पॉइजन किया, वॉज इट अ सुसाइड, वॉज इट मर्डर. ये चीज़ कभी रिजॉल्व नहीं हो सकी. इट वॉज़ अ ब्रिलियंट पीस जो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीलॉग की डिस्क्रिप्शन पर ये पीस भी मैं दे दूँ, उसका लिंक दे दूँ. अफसोस की बात यह है कि कोई नाम उस पर नहीं मुझे मिल सका पीस का. ज़ाहिर है कि ऑथर का नाम नहीं है, लेकिन आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाई द पीस इज़ वेल. ये बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ पीस है, एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के बारे में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाकिस्तानी जो एक कैरेक्टर है मुस्तफ़ा जैदी, उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ पीस है. तो लेकिन साथ ही उसमें बहुत से इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स भी हैं. ये सोचना कि हम बीइंग अ डॉक्टर, बिकॉज मैंने जब इस पीस को पढ़ा तो मैं डॉक्टर भी रहा हूँ,
और अगर मैं ना छोड़ता मेडिसिन तो शायद मैं साइकाइट्रिस्ट ही होता, होता भी अमेरिका में। और सो आई कैन, मुझे एक चीज़ का एहसास है कि मुस्तफ़ा जैदी की जो ये सुसाइड ही लग रही है, ये सुसाइड जो है ये महज मोहब्बत के चक्कर में नहीं हुई होगी। इस सुसाइड का ताल्लुक उस सस्पेंशन से भी है जहाँ मुस्तफ़ा जैदी को सिविल सर्विसेज से निकाल दिया गया और सस्पेंड कर दिया गया। और इसमें वो सारा डिप्रेशन का एलिमेंट भी है, इसमें वो एलिमेंट भी है जहाँ शहनाज़ी की मोहब्बत की खातर मुस्तफ़ा जैदी की जो जर्मन वाइफ है वो मुस्तफ़ा जैदी को छोड़ के बच्चों को लेके वापस जर्मनी चली जाती है। लेकिन ये जो सारी रिसर्च मैंने की यहाँ बैठ के, यहाँ आई वॉज मच इंट्रीग्ड बाई दैट अनयूजुअल पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ मुस्तफ़ा जैदी, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पहले नहीं पता था। और मेरी कोशिश होगी कि आई विल फाइंड मोर अबाउट मुस्तफ़ा जैदी एंड डू अ वीलॉग और अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हिज लाइफ। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे बहुत इंट्रीग किया, वो इतना कैपेबल आदमी जिसे दुनिया के लिटरेचर में कोई एडिशन करनी चाहिए थी, की उसने पोइट्री में, उस बेचारे ने पाकिस्तान के अंदर सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर ली। और ये क्यों होता है, क्यों इतने कैपेबल, इतने टैलेंटेड, इतने अनयूजुअल कैरेक्टर्स जो हैं, क्या कभी कोई अमेरिका में या बरतानिया में असर हाजिर में इतनी कैपेबल पर्सनैलिटीज़ जो हैं सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं? क्योंकि तो कितना बड़ा अलमिया है कि सरकारी नौकरी लोग ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ सारा काम मारपीट का, ख़त लिखने का, कॉरस्पॉन्डेंस और चिट्ठियों का है, और एज डायरेक्टेड एंड एज नोटेड इस किस्म की सारी कहानी होती है जिसमें किसी भी सूरत में कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, इमेजनरी विजनरी लोगों की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में। एक कितना बड़ा अलमिया है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखने, बोलने और तहकीक और इस पर मतलब पोजिशन लेने की ज़रूरत है। बहरहाल ये मैंने अभी सुबह से देखा है और यहाँ मैं बैठा हूँ। अब दो लफ्ज़ मैं अगर कह दूँ, साथ ही मैंने देखा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं गुलाम अली साहब, उन्होंने आज न्यूज़ को एक इंटरव्यू के अंदर ये फरमाया, एक छोटा सा उनका इंटरव्यू क्लिप है कि मैं तो बाकी तो जो कुछ उन्होंने कहा कि चले प्रेसिडेंट ने खुद से तारीख दे दी इलेक्शन की पंजाब की, नहीं उनको करना चाहिए था, वो तो उनकी बात मुनासिब, लेकिन एक उनकी बात बड़ी मुझे इंट्रीगिंग लगी और उसमें मुझे लगा कि बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट गवर्नर साहब जो हैं वो जो खैबर पख्तूनख्वा के हाजी गुलाम अली साहब, ये कितने एक मुनाफिक हैं, ये कितने बेशर्म हैं, ये कितने अजीबोगरीब हैं, ये क्या किस किस्म की ये बातें करते हैं। लेकिन और वो बात उनकी ये है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने जो चिट्ठी और ख़त मुझे लिखी इलेक्शन के हवाले से, वो मेरे सेक्रेटरी के नाम लिखी है, मेरा सेक्रेटरी छुट्टी पे है, सेक्रेटरी वापस आएगा मंडे को पूरा वीकेंड गुजार के, फिर वो ख़त खोलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि उसमें मैंने क्या पोजीशन लेनी है। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसा लगता है कि गवर्नर साहब बड़े मुनाफिक हैं और बड़े ही खबीस हैं, लेकिन असल इसमें से कुछ और चीज़ समझ आती है। असल की चीज़ समझ आती है कि ज़ाहिर है गवर्नर साहब खुद मुख्तार नहीं है, ऑटोनमस नहीं है, वो ये सारे फैसले खुद तो नहीं कर रहे और उनको इजाज़त ही नहीं मिली अभी तारीख देने की। इसका मतलब है कि अभी PMLN की हिकमत अमली, ये स्ट्रैटेजी करना क्या है, क्योंकि वो तो तारीख पंजाब की 30 अप्रैल तो प्रेजिडेंट ने दे दी है, अभी PMLN कोई क्लैरिटी नहीं हो सकी कि हमने क्या करना है। और गवर्नर की ये जो अजीबो गरीब स्टूपिड और फजूल किस्म की एक्सप्लेनेशन है कि सेक्रेटरी को ख़त मिला, सेक्रेटरी चिट्ठी खोलेगा फिर उसके बाद होगा, इसका मतलब ये है कि अभी PMLN इज पासिंग थ्रू दी मोशंस ऑफ इट। सो दिस इज़ अ वेरी इंट्रीगिंग पॉइंट। बट एनीवे, एज आई सेड अर्लियर कि ये मेरा एक्सपेक्टेड वीलॉग नहीं था, ये तो एक ना ही ये प्लान था। अभी मैं करता हूँ वीलॉग, इसको ज़रा एब्जॉर्ब करें फिर बात करते हैं इस पर। थैंक यू सो मच।